अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूट्यूब चैनल, एक नए तरीके के साथ, एक नए आइडिया के साथ। मैं आप लोगों को तमाम तर इंफॉर्मेशन दूंगा पौधों के मतलब कि पौधों को कैसे तैयार किया जाता है शुरू से ले कर आखिर तक, ठीक है। साथ साथ मैं आपको इनका जो सही मौसम है वो बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही वसी कारोबार है, ठीक है। ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है अब। तो मैं आप सब लोगों को साथ साथ जो है वो बताऊंगा इनको लगाने का तरीका, इनको गर्मी से बचाने का तरीका, धूप से बचाने का तरीका और सर्दी से बचाने का तरीका। तो ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन ही दूंगा और साथ साथ फिर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको तमाम तर पौधों के नाम, उनकी फैमिली, उनको तैयार करने का तरीका, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बीज से लेकर आखिर तक पौधा बड़ा होने तक मैं आपको सारा इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। उसके बाद जो पौधे शाहों से तैयार होते हैं, लाइक जिसको हम कॉम्पल बोलते हैं, कलम या कॉम्पल, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कई ऐसे पौधे होते हैं जो ग्राफ्ट होते हैं, तो मैं आप लोगों को ग्राफ्टिंग का तरीका बताऊंगा, पौधों की वैरायटियां बताऊंगा, पौधों के नाम बताऊंगा, ठीक है, और किस तरह से इनको हाई लेवल पे इनका बिजनेस करना है या इनको तैयार करना है, तो वो मैं सारा तरीका आप लोगों को बताऊँगा। खाद कब लगानी है, इनको स्प्रे कब करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा स्प्रे करना है, किस मौसम में कौन सा खाद डालना है, वो मैं सब आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो आज ये क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पौधे तैयार किए हुए हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं पौधे, इनको बोलते हैं ब्लैक अमरूद, ठीक है। ये इस वक्त दुबई में इसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, ये एक्सपोर्ट होके तो ये जा रहा है दुबई। तो ये आ गया चैना गोला अमरूद, ठीक है। ये आप देख लें, सिर्फ इसका नीचे से साफ तना है, ऊपर इसके जो है ना वो झाड़ी सी बनी हुई है। तो ये ऐसे पौधे हैं, इनको मैं आपको हाइब्रिड बनाने का तरीका बताऊँगा, किस तरह से इनको हाइब्रिड बनाया जाता है। यानी कि हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जो पौधे छोटे होते हैं लेकिन वो फ्रूट उठा लेते हैं, जो लोग होम गार्डनर हैं, जो घर में उनका छोटा सा लॉन होता है, वो चाहते हैं कि हम इनको घर में उगाएं और हमारे बच्चे इनका फ्रूट खाएं या हम इनका फ्रेश फ्रूट खाएं अपने घर में ही। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि पौधे को हाइब्रिड किस तरह से बनाना है, उनको ग्राफ्ट किस तरह से करना है, ठीक है, उनका फ्रूट किस तरह से लेना है। तो ये सारा तरीका मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। और ये आप देख सकते हैं, ये अभी पौधे जो हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ नीचे बैठ के। ये देखें, ये पौधे होंगे दुबई में एक्सपोर्ट, इसलिए ये देखें, ये इनके अंदर मिट्टी नहीं डाली, ये इनके अंदर कोकोपीट डाली है। मॉस पीट और कोकोपीट में ये तैयार किए जाते हैं। ये इसलिए तैयार किए जाते हैं क्योंकि जो पौधे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं उनके साथ मिट्टी नहीं जाने देते, किसी एक मुल्क की मिट्टी किसी दूसरे मुल्क की मुल्क में नहीं जाने देते उसको, उसकी मिट्टी को, इसलिए इनको फिर कोकोपीट में तैयार किया जाता है। कोकोपीट भी एक तरह की मिट्टी ही होती है, लेकिन ये है कि उसमें हराक मिक्स होती है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी हराक मिक्स होती है पौधों में और कोकोपीट में। तो इसमें तीन चीज़ें मिक्स की जाती हैं, एक तो आ गया कोकोपीट, ठीक है, दूसरा आ गया इसमें मड, मड भी एक तरह की खाद होती है, और उसके बाद इसमें आ जाता है जो स्वाह होती है, जो भट्ठे से स्वाह निकलती है ना, वो होती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको देखने में भी एक अच्छा जो है ना वो व्यू नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक तरतीब से इनको रखा हुआ है, एक तरतीब से इनको पानी लगाया जाता है, एक तरतीब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो आप लोगों, जो लोग नए हैं या अभी चैनल भी नया ही है, या क्या कह सकते हैं कि जो लोग नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और उसके बाद इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।